दोस्तों, ब्रेकअप के डर से बाहर निकलना अधिकतर लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए हम आपके लिए ब्रेकअप के बाद के डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं। एक बहुत बड़े रिलेशनशिप एक्सपर्ट ने कहा है कि प्यार एक ड्रग की तरह है। जब हमें किसी से प्यार होता है तो लाइफ में एक नशा सा छा जाता है। पता ही नहीं लगता कि दिन कब गुजर गया और रात कब बीत गई। इस समय लाइफ में सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, रिलेशनशिप को भी कुछ समय हो गया होता है, लेकिन तभी लाइफ का एक ऐसा समय आता है जब सामने वाला, जिससे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, जिसके लिए हमने बहुत कुछ प्लानिंग कर रखे होते हैं, सब कुछ खत्म करके चला जाता है। अब उससे हमारी कोई परवाह नहीं होती, सब कुछ एक साथ एक ही झटके में ख़त्म हो जाता है। हम उस घटना को चाह कर भी भूल नहीं पाते और सोचते रहते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे गया। आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है उस टाइम पर। वो वाला फेज जो उस समय होता है, उसे समझाया नहीं जा सकता। आइए जानते हैं कि ब्रेकअप क्या होता है। ब्रेकअप की ज़्यादातर सोच यही है कि हम किसी पर्सन के साथ एक लंबे समय से रह रहे होते हैं और उससे एक तरह का सुखद सा जुड़ाव हो जाता है। उस व्यक्ति से हम इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि बस वही व्यक्ति मेरी सारी दुनिया है। उस व्यक्ति से हम खुद को तलाशने लगते हैं, अपने इमोशन को उसके साथ शेयर करते हैं। इस तरह उससे हमारा जुड़ाव हो जाता है। इतना अच्छा रिलेशन होने के बाद जब वह व्यक्ति आकर कहता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता या चाहती, वो व्यक्ति एक झटके में सब कुछ ख़त्म कर देता है और हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। तब हम कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया। हाउ टू डील विथ ब्रेकअप। जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बस हो गई हैं, अब उसे बदला नहीं जा सकता। ब्रेकअप हो जाने के बाद खुद को संभालना चाहिए, लेकिन ब्रेकअप से डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो पाता कि ऐसा हुआ भी है। साथ ही उनके मन में उम्मीदें चल रही होती हैं कि शायद वो वापस आ जाए। लोग इन्हीं चीज़ों में अटके रहते हैं और उभरने की कोशिश ही नहीं करते। सबसे पहले जिसका भी ब्रेकअप हुआ होता है, उनमें से बहुत सारे लोग ब्रेकअप से डील कैसे करें टॉपिक पर वीडियो या आर्टिकल सर्च ही नहीं करते, बल्कि वे लोग ये चाहते हैं कि कैसे भी हो, जिससे बात हो रही थी उससे बात फिर से होनी शुरू हो जाए, जो छोड़ कर गया है वो फिर से वापस आ जाए। मन में भी कई तरह के सवाल चल रहे होते हैं, जैसे वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है या कर सकती है, वो ऐसा नहीं कर सकता, आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई है, मेरे से कोई गलती हुई होगी, उससे बात कैसे हो। उसके बाद उससे बातचीत का सारा चैट को बार बार देखना, उसके द्वारा भेजे गए मैसेज को बार बार पढ़ना, इतनी अच्छी तरह तो उससे बात हो रही थी, फिर ये कैसे हो सकता है। वो तो कहता था या कहती थी कि कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, उसने साथ कैसे छोड़ दिया। उसके पोस्ट को मिनट मिनट में चेक करना, पुराने फोटोज़ को बार बार देखना, उसके दिए गए गिफ्ट्स को बार बार गले लगाना। पता है कि उसने ब्लॉक कर दिया है, उसके बावजूद भी उसके पास मैसेज सेंड करना, उसके जान पहचान वालों के जरिए उससे बात करने की कोशिश करना। इस समय इंसान बिखर गया होता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हमेशा उसे रोना ही आ रहा होता है, सब कुछ ब्लर नज़र आ रहा होता है, दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया होता है। हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप। टिप 1, एक्सेप्ट रियलिटी आफ्टर ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद जो सबसे मुश्किल काम है वो है एक्सेप्टेंस। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। माना कि सबसे मुश्किल काम यही है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। कैसे भी हो, सबसे पहले इस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। भले ही इसमें टाइम लगे, लेकिन तुरंत प्रयास शुरू कर दीजिए। उसकी यादों में खोए रहने से, उसका लौट कर आने का इंतज़ार करने से और उसके दिए गिफ्ट्स को बार बार खोल के देखने से समस्या और बढ़ेगी ही। जो हो गया सो हो गया, सब कुछ आपके हाथ में तो है नहीं। ब्रेकअप से मूव ऑन करने में ये आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। टिप 2, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ब्रेकअप के बाद अपने विचारों को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद दिमाग में जो भी ख्याल आते हैं और परेशान करते हैं, उसे एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है।
अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अपने विचारों को लिखें, अपने विचारों को लिखकर एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने विचारों को लिखने से दिमाग में क्लैरिटी आती है, हम समझ पाते हैं कि आखिर अपने माइंड में क्या चल रहा है। एक बार जब पता चल जाता है कि दिमाग में चल क्या रहा है, तब उसे समझना भी आसान हो जाता है, उससे डील करना भी आसान हो जाता है। दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं जैसे कि तैसा लिख दें, हो सके तो डेली का एक रूटीन बनाएं और उस शख्स के बारे में जो जो नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं उसे लिख दें। ऐसा करना अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें। ऐसा करने से आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि आपका दर्द और परेशानी लिखे हुए शब्दों के माध्यम से आपसे दूर जा रही हैं और आप रिलैक्स हो रहे हैं। ये तरीका आपको ब्रेकअप के दर्द से बाहर आने में मदद ज़रूर करेगा, इसलिए इसको ज़रूर आजमाइए। जो भी आपका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, उससे अपने दिल की बात करें। उससे बताएं कि सामने वाले के छोड़ जाने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। अपने दोस्तों से बात करना शुरू कर दें। कोशिश यही करें कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताएं, उनसे मिलें, रोज़ कुछ समय उनके साथ रहें और अपने विचारों का आदान प्रदान करें। बच्चों के साथ खेलें। ब्रेकअप से बाहर कैसे निकले इस बारे में ज़्यादा ना सोचकर आपको बच्चा बनना होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि किसी के भी लाइफ में ब्रेकअप हो जाना बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट होता है, इससे बाहर आने में वक्त लगता है। लेकिन कबीर सिंह बने रहने से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रीति आपको मिल ही जाएगी। आपको जल्द से जल्द हार्ट ब्रेक से बाहर आना है। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय छोटे छोटे बच्चों के साथ बिताएं, उनके साथ बच्चों वाली हरकतें करें। आप खुद एक अलग ही दुनिया से जुड़ा हुआ पाएंगे। आपको हार्ट ब्रेक के पेन से थोड़ा सा रिलीफ भी मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि बच्चों का नेचर मासूम होता है। अपने अंदर के बच्चों को मरने नहीं देना चाहिए, उसे ज़िंदा रखना चाहिए। कम से कम ऐसे समय में तो ऐसा करना आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। टिप नंबर 3, स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। रिलेशनशिप में रहते रहते अपने पार्टनर से आपको इमोशनल लेवल पे जुड़ाव हो गया होता है। अपना सारा टाइम उनके साथ बिताने से हम खुद को उनके अंदर तलाशने लगते हैं। हमारे दिल में सामने वाले के लिए ज़बरदस्त फीलिंग और इमोशंस होते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है सब कुछ एक साथ ख़त्म हो जाता है। तब एक खालीपन सी फीलिंग होती है जिसको भरने के लिए हमें जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ करना होता है। अब जब सब खत्म हो गया है तब ये बहुत ज़रूरी है कि हम सारा टाइम खुद को दें, अपने साथ समय बिताएं। अगर आप जॉब करते हैं तो पॉसिबल हो तो कुछ समय के लिए ब्रेक ले लीजिए, कुछ समय अपने साथ बिताएं और कुछ समय अपने फैमिली मेम्बर के साथ बिताएं। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तब आपका ब्रेकअप हुआ है तो उस समय के लिए आप घर पर आ जाएं, अपने माता पिता भाई बहन के साथ समय बिताएं। ऐसा करना आपको ब्रेकअप से ओवरकम होने में काफ़ी मदद करेगा और आपको हार्ट ब्रेक पेन से रिलीफ भी मिलेगा। टिप नंबर 4, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। ब्रेकअप के बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि ब्रेकअप के बाद हम अपने आप को दोष देना शुरू कर देते हैं। खुद को बार बार कोस रहे होते हैं, खुद को दोष दे रहे होते हैं। ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दें। जो गलती आपने की ही नहीं है उस गलती की सज़ा खुद को क्यों दें। एक बात हमेशा याद रखिए, जब एक जोक्स आपको बार बार हंसा नहीं सकता तो एक पेन आपको बार बार रुला भी नहीं सकता। खुद को दोष मत दीजिए, जो हो गया सो हो गया। अब अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। यह टिप्स आपको ब्रेकअप से बाहर निकलने में ज़रूर मदद करेगी। टिप नंबर 5, मोटिवेट योरसेल्फ टू बी ग्रेट पर्सन। हमारे आसपास बहुत सारी कहानियां हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोगों की ऐसी कहानियां हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को सिर्फ संभाला ही नहीं है, खुद को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं। जो काम उन्हें पहले करना मुश्किल लगता था उसे अब उन्होंने आसानी से करके दिखाया है। कई सारे लोगों ने ब्रेकअप के बाद UPSC क्रैक कर लिया तो किसी ने कंपनी स्टैब्लिश कर ली। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, इनको आप पढ़िए, इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखिए, आप ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं है जिसका ब्रेकअप हुआ है। आपके पहले भी बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और वो इससे ओवरकम भी हो चुके हैं और अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और सेटल भी हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को अपनी लाइफ में सेटल करने का प्रयास कीजिए। टिप 6, लर्न फ्रॉम योर रिलेशनशिप्स मिस्टेक।
अगर आपका ब्रेकअप काफ़ी लंबे समय तक साथ रहने के बाद होता है तो पहले रिलेशनशिप में जो जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों से सीखें, उससे लर्निंग लें, उसके बाद फिर से अपने लिए एक नए पार्टनर की तलाश करें। एक राइट पर्सन का लाइफ में होना जीवन को हेवन बना देता है। दोबारा से जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो पिछले बार की हुई गलतियाँ दोबारा से ना दोहराएं। आप अपनी तरफ से ज़्यादा ट्राई करें कि आप जिस भी पार्टनर के साथ हैं उसके प्रति पूरी तरह से वफादार रहें। नई रिलेशनशिप में आने के बाद अपने एक्स का जिक्र बार बार अपने करेंट पार्टनर से ना करें। ब्रेकअप से ओवरकम होने में ये आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा। टिप 7, पुट सेल्फ रिस्पेक्ट बिफोर लव। ब्रेकअप के बाद पेन होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम खुद से भी ज़्यादा सामने वाले को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर से ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जो हो गया सो हो गया। अब खुद का ध्यान रखना है, प्यार करना है तो कीजिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। ऐसा करने से सेल्फ वर्थ बढ़ेगा और ब्रेकअप हो जाने के बाद आप आसानी से खुद को संभाल सकते हैं। गो अहेड। टिप नंबर 8, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गो अहेड। किसी और के लिए आप भले ही कुछ ना हो, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ हैं। भले ही किसी और को आपकी ज़रूरत नहीं, लेकिन आपकी फैमिली को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, आपकी फैमिली को जो चाहिए उसके लिए मेहनत कीजिए, अपने करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने से ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक सबका पेन खत्म हो जाएगा। खुद को एक नया लक्ष्य दीजिए कि आप खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करेंगे, जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, अपना और फैमिली का नाम रोशन करेंगे। ऐसा करना आपकी जिम्मेदारी है और आशा करती हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ेंगे। एक बात हमेशा याद रखें, जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो आपको छोड़कर चला गया वो आपसे कभी प्यार करता ही नहीं था। जो आपसे प्यार करता ही नहीं था उसके बारे में सोचकर आप परेशान क्यों हो?